यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। रूस के कुर्स्क में घुसी यूक्रेनी सेना ने वहां का तीसरा और आखिरी पुल भी उड़ा दिया है, जिससे कुर्स्क में रूसी सेना की सप्लाई पूरी तरह से कट गई है। सेना के इस कदम से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इरादे और बुलंद हो गए हैं। उन्होंने रूस के अजेय होने की धारणा को भी तोड़ दिया है। अब दावा है कि उनका अगला टारगेट मॉस्को है। वो किसी भी वक्त मॉस्को पर बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि अब ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर भयंकर पलटवार करने की तैयारी में हैं। उन्होंने इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस में जो घुसपैठ की उस पर भारी पड़ सकती है। उसका कुर्स्क अभियान उसके खिलाफ ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना की घुसपैठ का फायदा उठाने की बड़ी तैयारी कर ली है। यूक्रेन का पूरा फोकस कुर्स्क पर है, लेकिन रूस को यूक्रेन के दो बड़े शहर दोनेस्क और प्रोकोवस्क में घुसने का मौका मिल रहा है। रशियन पॉलिटिकल एनालिस्ट तातियाना स्टैनोवा बताती हैं, रूस युद्ध में दुश्मन को अंदर आने दो और फिर हमला करो की रणनीति पर चल रहा है, जिस वजह से कुर्स्क अभियान जेलेंस्की के लिए उल्टा साबित हो सकता है। इधर कुर्स्क के मलाया लोकन्या में यूक्रेनी सेना के हमलों से रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरेस्की ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 1263 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हमारी सेना कुर्स्क में 28 से 35 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 में 8 महीने में जितनी जमीन पर कब्जा किया था, उससे ज्यादा यूक्रेन ने 2 हफ्ते में हत्या ली है। रूस के पॉलिटिकल एनालिस्ट जॉर्ज बैरोस बताते हैं कि कुर्स्क में युद्ध के विस्तार होने से यूक्रेन की गति में कमी आई है। यूक्रेन ने पहले हफ्ते 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था, लेकिन दूसरे हफ्ते में सिर्फ 263 वर्ग किलोमीटर का ही विस्तार कर पाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले करने लगा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने मॉस्को और उसके आसपास के क्षेत्रों से 11 ड्रोन मार गिराए हैं। ये मॉस्को पर ड्रोन से हमला करने का अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। इसे लेकर मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने भी हुंकार भरी और यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, अब यूक्रेन से कोई बातचीत नहीं होगी। यूक्रेन से शांति के बारे में मध्यस्थों की बातचीत भी खत्म हो गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ का मतलब है कि जब तक यूक्रेन पूरी तरह से पराजित नहीं हो जाता, तब तक मॉस्को और कीव के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। इधर यूक्रेन के कुर्स्क में हमलों के बीच पुतिन 13 साल बाद रूस के चेचन्या पहुंचे। वहां उन्होंने चेचन नेता रमजान कादिरोव से मुलाकात की और यूक्रेन से लड़ने की तैयारी कर रहे चेचन सैनिकों का निरीक्षण किया। साल 2011 के बाद नॉर्थ कॉकेशस में पुतिन का यह पहला दौरा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कादिरोव खुद को पुतिन का पैदल सैनिक बताता है। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कादिरोव ने 47,000 सैनिक भेजे हैं, जिनमें से 19,000 स्वयंसेवक शामिल हैं। बता दें कि रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन से हमले के बाद से अब तक 6,00,000 से ज्यादा रूसी सैनिक जान गंवा चुके हैं। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने बताया, यूक्रेन पिछले 2.5 साल में रूस के 8,522 टैंक्स, 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम, 667 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 13,902 ड्रोन्स, 28 जहाज और एक सबमरीन को बर्बाद कर चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।